صلاتم وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله यहां उमर शरीफ भाई के लिए ईसाल सवाब के लिए दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और हमारे जिम्मेदार यहाँ पहुँचे हैं और दावत इस्लामी के तहत क्योंकि उमर शरीफ भाई जो थे ये बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते थे और गौसे आज़म से इनको बड़ी अकीदत थी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इनको ज़ियारत भी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने उमर शरीफ भाई 11वीं शरीफ किया करते थे पाबंदी के साथ और बड़ा मतलब उनका बुज़ुर्गों से मोहब्बत और अकीदत का मामला रहता था। और फैज़ान मदीना जो यहाँ कराची में दावत इस्लामी का मरकज़ है 3 मरतबा उनका वहाँ भी आना हुआ और मेरी भी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं इस हवाले से। तो बड़ी जो ना गम की खबर यह मिली तो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन यहाँ पहुँचे हैं और अभी यहाँ जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमने बच्चों को यहाँ जमा किया है और यहाँ ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी दावत इस्लामी ने शुरू करवाई है। अभी और बच्चे भी आ रहेंगे और ये इस कुरान खानी का ईसाल सवाब का सिलसिला कई देर तक जारी और सारी रहेगा। तदफीन के जो मामला होंगे इंशाल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन उस तदफीन में जनाजे में सारे मामला को उलमा इकराम की रहनुमाई के ज़रिए इंशाल्लाह ये आगे लेके चलेंगे। हम सबको चाहिए कि ईसाल सवाब करें क्योंकि जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से एक दिन जाना है। हम सबको भी जाना है दुनिया से एक दिन, मौत का कोई इनकार कर नहीं सकता। जो चले गया है ईसाल सवाब करें, दुआ करें उनके लिए। अल्लाह इनके बेटे जो हैं दोनों जवाद भाई और दूसरे का नाम फवाद भाई, मैं इनसे भी ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह इनको भी सब्र अता करें और हम सब को भी दुनिया ही में कब्र व आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन बिजाहे नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।